हे गाइस, दिस इज स्पीडटाइगर और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और मुझे नहीं लगता कि पहले आपने कभी इसके बारे में सुना होगा या किसी और चैनल पर देखा भी होगा, क्योंकि ये सीरीज़ जो है बहुत कम लोग पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मैं एक कॉन्टीन्यूटी बना रहा हूँ, तो उसके अंदर जो आगे आगे हमारे बड़े इवेंट होने वाले हैं उसमें इस सीरीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आपको बता चलूँ कि ये सीरीज़ किसी और की नहीं बल्कि एरीज़ द गॉड ऑफ वॉर की है। तो मेरा तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा फेवरेट करेक्टर है और मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से मैं इस सीरीज़ की तरफ पहुंचूं, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इसकी सीरीज़ आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त करेक्टर है और मेरा काफ़ी फेवरेट करेक्टर भी है, चाहे ये डीसी में हो या मार्वल में हो। ये एक गॉड ऑफ वॉर है, तो इसकी कहानी जो है दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो इस कॉमिक्स में भी हम इसका एक बिल्कुल अलग ही रूप देखेंगे गॉड ऑफ वॉर का, और हम देखेंगे कि इसकी स्टोरी किस तरह से आगे जाके एवेंजर्स वगैरह से टाई इन करेगी, मतलब उनसे जाके मिलेगी। ये एक लिमिटेड सीरीज़ है जिसके अंदर सिर्फ 5 इशूज़ हैं, तो मैं इसको एक एक इशूज़ करके जल्दी से निपटा दूंगा। तो यानी कि हर एपिसोड में हम सिर्फ एक इशू कवर करेंगे और मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी है, तो इसके अंदर मुझे आपको जो है बार बार बैकग्राउंड के रेफरेंस वगैरह देने पड़ेंगे, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह के ऑसम कॉमिक्स शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा नफरत करता हुआ इंसान तुम थे। तुम वो गॉड्स थे जो ओलंपस में कभी रहा करता था, लेकिन तुम्हें शुरू से चाहत थी सिर्फ लड़ाई और झगड़े की। तुम्हें किसी और चीज़ से कोई मोहब्बत नहीं थी, और सिर्फ इसी वजह से तुम्हारा नाम उन लोगों में से हटा दिया गया है जो कि उस ब्राइट स्काई में रहते हैं गॉड्स के साथ। ये बात कही थी ज़्यूस ने एरीस को एक ख़त के ज़रिए कि ये सोचा करते थे गॉड्स मेरे बारे में। मैंने बहुत ज़्यादा जंग इनके साथ मिलकर लड़ी हैं। मैं माउंट ओलंपस के ऊपर इनके साथ बहुत हज़ारों बार खड़ा हुआ हूँ। मैंने हज़ारों जंग इनको जीतवाई हैं, और जब भी इनको कोई मुश्किल जंग में पड़ते थे ये लोग सिर्फ मुझे बुलाते थे। वो मैं ही था जिसने हेडीज या फिर प्लूटो या फिर जो भी आजकल वो अपने आप को बुलाता है, हेडीज जो कि लॉर्ड ऑफ हेल है और जो कि ज़्यूस का भाई है, वो चाहता था हमेशा से ओलंपस के ऊपर रूल करना। लेकिन ओलंपस पर कोई और रूल करे ज़्यूस के अलावा ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब हेडीज के लोग ज़्यूस के लोगों पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे, तो खुद ज़्यूस ने मुझे बुलाया अपनी मदद के लिए। उस वक्त जो है हेडीज की फ़ौज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी थी। उसने ज़्यूस की तकरीबन सारी फ़ौज को धो के रख दिया था, और वो लोग जो चीज़ सामने देखते थे उसको मसलते हुए सिर्फ आगे चलते जा रहे थे। अब यहाँ पे ज़्यूस के पास कोई और रास्ता नहीं था, और अब उनको कोई ऐसा चाहिए था जो कि इस लड़ाई का टाइट रोक सके, मतलब इस लड़ाई को पलट सके, वरना ज़्यूस का पलड़ा बहुत हल्का हो चुका था। तो उस वक्त ज़्यूस ने नाम लिया और मुझे बुलाया, एरीज गॉड ऑफ वॉर, आओ मेरे साथ, हम सब उन लोगों पर अटैक करेंगे जो कि ओलंपस पर अटैक करने के लिए आए हैं, वॉरियर्स ऑफ हेडीज, हम उनको जहन्नुम तक ले जाएंगे। आओ मेरे साथ, क्योंकि सिर्फ मेरे अंदर ही वो प्यास है, मेरे अंदर ही वो भूख है कि मैं लोगों को मार सकता हूँ। हेडीज़ ने और उसके लोगों ने जो है हर एक को मसल के रख दिया था, और उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ग़ुलाम बनाने के लिए रखे थे, और इसने जो था रास्ते में हर आया हुआ रास्ता जो कि ओलंपस की तरफ जाता था उसको तोड़ के रख दिया था। उसने हर उस दीवार को गिरा दिया था जो कि ओलंपस को बचा रही थी, यहाँ तक कि हरक्यूलिस जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द गॉड्स माना जाता है, अपोलो, पोसाइडन और उसके साथ साथ दूसरे हीरो जैसे अकिलीस, एजेक्स, ये सब मिलके भी जो थे इस लड़ाई को एक बैलेंस नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे, ये हेडीज़ की फौज थी। और जब ज़्यूस ने सबसे पहली बार मेरा नाम पुकारा एरीस करके, तो उस वक्त सिर्फ हेरक्यूलिस था जिसने बोला कि नहीं फादर, हम उसके बगैर भी ये कर सकते हैं, क्योंकि एरीस कोई गॉड वॉड नहीं है, उसको सिर्फ शुरू से जंग की ही प्यास है, आप उसको यहाँ पे नहीं बुला सकते हैं। उसके नाम में कोई ऑनर नहीं है, उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, उसके अंदर कोई दया नहीं है, उसको कोई ट्रेजेडी नहीं आती, लेकिन सिर्फ वो एक बात जानता है कि जंग किस तरह लड़ते हैं, हमें उसकी ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसा कि दिख रहा था कि ये सारे गॉड्स भी मिलकर एडीज़ की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तब हर तरफ से हर बच्चा, हर औरत सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, और वो थी एरीज़, एरीज़ और एरीज़। और जब एरीज़ आया तो वहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो कि वो सारे गॉड्स मिलकर भी नहीं कर पा रहे थे। उस अकेले एरीज़ ने वो सब कर दिखाया जो कि वो सारे गॉड्स मिलकर नहीं कर सकते थे। और जब ये सारी जंग थम गई तो एरीज़ की सारी फ़ौज को कुचल दिया गया और सबको ज़िबा कर दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती है, उनमें से कुछ बॉडीज़ जो थी वो तो हेल को तरफ वापसी लौट गई क्योंकि वो वहीं से आई थी, लेकिन जो बच गई थी हमने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा, मैंने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके पार्ट्स अलग कर दिए, हर चीज़ अलग कर दी ताकि वो याद रख सकें कि उनका मुकाबला किससे हुआ था। और इस तरह जो है उन लोगों ने मेरा नाम सदियों तक याद रखा। और काफ़ी टाइम पहले की बात है जब मैं गॉड्स ऑफ द लाइट के साथ रहा करता था, जिसमें ज़्यूस जो कि मेरे फादर हैं और हेरा जो कि मेरी मदर हैं, जो कि हमारे इस पैंथियन की ब्लड हैं, और क्योंकि अब मुझे ऐसा लगा था कि मैंने इनको इतनी बड़ी जंग जितवा दी है तो अब ये लोग मेरी बहुत यहाँ पे इज्जत करेंगे और मुझे यहाँ दोबारा रहने का एक मौका देंगे।
क्योंकि जब इन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुला लिया है तो मुझे लगता है कि अब ये मेरा अपने खुले हाथों से स्वागत करेंगे यहाँ पे। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब एरीज उन गॉड से मिलने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पे पहले से एक ज़बरदस्त मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे एरीज जो है छुपके से उनकी सारी बातें सुनने की चालाकी करता है। और हम देखते हैं वहाँ पे हरक्लीस जो है अंदर बोल रहा है कि फादर, मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था कि एरीज ये जंग जीतवा देगा, लेकिन इसकी क्या कीमत है। कह रहा है उसने उन लोगों को आपने देखा कितनी बेरहमी से मारा, उसने प्लूटो के लोगों को ख़त्म कर दिया है, मतलब क्या वो दोबारा शायद ज़िंदा भी नहीं हो सकते हैं, इतनी बेरहमी से कौन किसी को मारता है। लेकिन ज़ूस कहते हैं कि बेटा ये देखो कि आखिरकार ये जंग हम ही जीते हैं, चाहे इसमें कुछ भी हुआ हो, यहाँ तक कि द माइटी वॉरियर हरक्लीस भी इसको ख़त्म नहीं कर पाया था। और वहाँ पे हरक्लीस बोलता है कि मुझे माफ़ कर दे पिताजी, लेकिन मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं एक बहुत बहादुर और ताकतवर आदमी हूँ। तो ज़ूस कहते हैं कि बेटा हर जंग जो है स्ट्रेंथ से नहीं जीती जाती है, ना ही ऑनर से। कुछ जगहों पर हमें अपना ऑनर छोड़ना पड़ता है, एक वॉरियर स्पिरिट लानी पड़ती है, और इसी वजह से मैंने एरीज़ का नाम पुकारा था, क्योंकि वो इसमें से किसी एक की भी परवाह नहीं करता है। वो अपने दुश्मनों को बिना किसी मर्सी के मारता है, वो किसी पर रहम नहीं करता है, किसी को नहीं छोड़ता है, किसी चीज़ पर हेजिटेशन नहीं करता है, और इसी वजह से आज हम ये जंग जीते हैं। क्योंकि एरीज के अंदर उसका कोई सोल नहीं है, उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, इसलिए वो ये सब करता है, और हमें उससे सिर्फ यही सब करवाना था और कुछ नहीं। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ज़ूस का असली प्लान यही था कि वो सिर्फ एरीज की मदद लेंगे और उसको फिर वैसे ही यहाँ से निकाल देंगे जैसे वो पहले निकला हुआ था। और हम देखते हैं क्योंकि एरीज ने उनकी सारी बातें सुन ली थी ज़ूस की और हरक्लीस वगैरह की, तो वो फैसला करता है कि वो यहाँ से खुद ही चले जाए। और वो बोलता है कि उस दिन मैंने फैसला कर लिया था, उस दिन मुझे समझ में आ गई थी कि इन गॉड्स ने मुझसे कितनी बड़ी गद्दारी करी है, इन लोगों ने मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करा और उसके बाद मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन उसी वक्त मैंने सोचा और मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं दोबारा एरीज नहीं बनूंगा। मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो कभी क्यों हुआ करता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सालों बाद एरीज जो है ये सारी कहानी बैठ के हमें सुना रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एरीज का एक बिल्कुल नया रूप है, वो एक आम ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका एक बेटा भी है और वो उसको यानी नॉर्मल लाइफ दे रहा है। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये सच में वही एरीज है जो कि गॉड ऑफ वॉर हुआ करता था, जिसने प्लूटो के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त जंग करी थी। और वो यही बता रहा होता है अपनी स्टोरी कि किस तरह से उसने अपने आप को पूरा चेंज करा और एक बच्चे का बाप भी बन चुका है, और अब जो हूँ मैं कोई किंग विंग नहीं हूँ, मैं इन लोगों के अंदर बस चुका हूँ और अब मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम ज़िंदगी बसर करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। मेरा बेटा जो है मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ना ही मेरे पास्ट के बारे में और ना ही इस बारे में कि वो किस चीज़ की हेरिटेज है, मतलब वो किसका बेटा है और वो क्या कर सकता है। और मैं नहीं चाहता कि उसको ये कभी बात पता भी चले, क्योंकि यही उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और हम देखते हैं कि एरीज वहाँ पे जो है उसकी स्कूल की टीचर से मिलने गया होता है, जो कि उसने बुलाया था। और उसके देखते हैं कि उसकी टीचर उसको यही बता रही होती हैं एरीज को कि देखो तुम्हारा बेटा जो है इस तरह के ड्राइंग्स बनाता है जो कि हमारे बाकी बच्चे से देख के डर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, हर वक्त किसी ना किसी से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, हम इसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि इसकी ड्राइंग्स वगैरह किस तरह की हैं। और फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एरीज जो है अपने बेटे को लेके घर की तरफ जा रहा होता है, और वो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे एरीज अपने घर के अंदर अपनी प्लेट्स वगैरह धो रहा होता है, और वो पूछता है कि बेटा तुम्हारा सारा काम हो गया, तो वो बोलता है कि फादर बस मेरा थोड़ा सा रह गया है, बस ख़त्म होने ही वाला है। और हम यही देखते हैं कि टीवी पे जो है बराबर में एक जंग की न्यूज़ चल रही है कि किस तरह से दूसरी जगहों पर बगदाद वगैरह के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जंग चल रही है और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं ये वो। तो यहाँ पे जो है एरीज आता है और टीवी बंद कर देता है, तो उसका बेटा बोलता है कि फादर प्लीज़ टीवी खोल दीजिए क्योंकि मुझे नॉइज़ के अंदर जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। एरीज बोलता है कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बगैर नॉइज़ के भी समझना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मरते हुए लोगों को देख के ये सब करना चाहिए, क्या तुम्हें पसंद है जब लोग मर रहे होते हैं। तो बेटा बोलता है कि क्या आप क्या पूछ रहे हैं। तो एरीज बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी टीचर मुझे आज बता रही थी कि तुम स्कूल में बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते हो, मैंने तुम्हें क्या बताया था फाइटिंग्स के बारे में। तो बताता है वो बच्चा कि आपने मुझे बताया था कि जब भी फाइट हो तो सबसे पहले उस आदमी को मारो कि जो सबसे बड़ा हो, और सीधा उसकी नाक पर मारना ताकि उसकी नाक से जब खून निकले तो बाकी के सारे लोग जो हैं उसका खून देख के फौरन डर जाएं और वो सारे वहाँ से भाग जाएं, और इस तरह जो है मुझे और ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एरीज बोलता है कि ये बात मेरे बेटे ये बात बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। और हम देखते हैं एरीज जो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है और उसको खेल खेल में ऐसी मजाक में पकड़ लेता है और बोलता है कि अब जो है तुम फौरन से गिव अप कर दो, ठीक है ना। तो उसका बेटा बोलता है कि नहीं कभी नहीं। तो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो फौरन से गिव अप कर दो। तो बोलता है कि नहीं मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। तो एरीज बोलता है कि गुड जॉब एलेक्स, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि कभी भी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं फिर इस तरह एरीज जो है दोबारा अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए आता है और बोलता है कि मैं 3 बजे आ जाऊँगा जैसे मैं रोज़ आया करता हूँ, तो आज कोई फाइटिंग वगैरह नहीं करना प्लीज़। और हम दूसरी तरफ देखते हैं एरीज जो अपने काम की तरफ चले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है और घर वगैरह बनाना होता है। और हम देखते हैं जब वो वहाँ पे काम कर रहा होता है तो वहाँ पे एक बच्चा आके जो है इसको स्केटबोर्ड पे परेशान कर रहा होता है, बार बार उससे काम में बार बार आके तंग कर रहा होता है। तो एरीज गुस्से में आके पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो बच्चे, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे काम हो रहा है। तो वो बच्चा बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे सिर्फ मज़े कर रहा हूँ।
तो वो बोलता कि फ़ौरन यहाँ से निकल लो बच्चे, वरना मैं तुम्हारी ऐसी बुरी तरह से शामत बुलाऊंगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। बच्चा, सच में क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा ओल्डर हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो इधर से उधर भाग रहा होता है, तो एरिस उससे बोलता है कि जल्दी से यहाँ पे आओ। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो बच्चा एकदम जो है बहुत ज़्यादा एक स्पीडस्टर की तरह हाई स्पीड में उसके चारों तरफ घूमना शुरू हो जाता है। इसको देख के एरिस फौरन डर जाता है और बोलता है कि ये नहीं हो सकता, ओह नो। और हम देखते हैं कि वो वही बच्चा जो है ऊपर जाके खड़ा हो जाता है हवा के अंदर और बोलता है कि क्या तुमने सच में मुझे अभी भी नहीं पहचाना? मैंने भी सोचा था कि मैं भी तुम्हारी तरह अर्थ पे सेटल हो जाऊंगा, एक नई ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फनी बात यहाँ पे ये है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक स्टूपिड कारपेंटर बनूंगा। तो एरिस बोलता है कि हर्मीस, व्हाट डू यू वांट, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ये बच्चा जो था ये हर्मीस है, जो कि गॉड ऑफ वॉर का भाई है और उन्हीं के साथ रहा करता था। यानी ये भी एक जो है गॉड ही है और ये भी यहाँ पे एरिस की तरह छुप के ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे कि एरिस यहाँ पे गुजार रहा है। तो जब वो पूछता है कि एरिस तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बताता है कि वॉर गॉड जो है तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं एरिस, और तुम्हें उनका जवाब लाजमी देना होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता शायद कि एसगार्ड जो है अब ख़त्म हो चुका है, ओलंपस के एनिमीज जो हैं हर तरफ से निकल कर आ रहे हैं। ये टाइम जो है ओलंपस के लिए बहुत ज़्यादा वीकनेस का टाइम साबित हो रहा है। तो यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ, इसने ये जो बात करी है कि एसगार्ड ख़त्म हो चुका है पर अब जो है बहुत वीकनेस का टाइम है, इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि थॉर डिसअसेंबल की स्टोरी आई थी और उसके अंदर एसगार्ड ख़त्म हो गया था, उसके साथ साथ एसगार्डियन गॉड वगैरह सब ख़त्म हो चुके थे। तो इसी वजह से हर्मीज यहाँ पर आया और उसको बता रहा है कि एसगार्ड अब ख़त्म हो चुका है। तो क्योंकि अब एसगार्ड ख़त्म हो गया, तो अब अगली बारी जो है ओलंपस की है, क्योंकि जब एसगार्ड और ओलंपस के जो है बहुत अच्छे ताल्लुकात हुआ करते हैं और ये दोनों जो है अलग अलग गॉड्स हैं। तो जब एक गॉड्स की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, पूरा प्लैनेट ख़त्म हो गया, तो दूसरे गॉड्स तो ज़रूर टेंशन में आएंगे ही ना, तो इसलिए वो बताने आया है और एरिस से मदद मांगने आया है। तो एरिस बोलता है कि मुझे नहीं परवाह है कि ओलंपस में क्या हो रहा है और उसके दुश्मन उसके साथ क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ रहता हूँ और मुझे यहाँ की परवाह है, तो यहाँ से फौरन निकल लो इससे पहले कि यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारा खून बह जाए, समझे तुम? और हम देखते हैं वो जिस नेल गन से काम कर रहा था उसी को उसके पैर में घुसा देता है उसकी नेल। और मैंने कुछ जगह पढ़ा है कि बहुत सारी जगह पे मैसेंजर्स को मार दिया जाता है, तो फौरन यहाँ से फूट लो, क्योंकि हमें पता है हर्मीस एक तरह का मैसेंजर है जो कि गॉड्स के मैसेज इधर से उधर लेकर जाता रहता है। और हम देखते हैं एरिस बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और उसका गला पकड़ के अपनी तरफ लाता है और बोलता है कि मेरी बात कान खोल के सुनो, ये बात जाके तुम अपने गॉड्स को बोल देना कि मैं वो जो गॉड हुआ करता था गॉड ऑफ वार, अब वो सब पीछे रह चुका है, अब मैं एक आम इंसान हूँ, जाओ और ये मैसेज ज्यूस के पास ले जाओ। और अगर तुम्हारे गॉड जो है चाहते हैं कि वो एरिस को दोबारा देखें, वो चाहते हैं कि एरिस दोबारा जागे, तो उनसे ये बात कह देना कि वो अपनी जिम्मेदारी पे ये करें, क्योंकि जब अब अगली बार एरिस जागेगा तो वो किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि ओलंपस की दीवारों को हिलाने के लिए और उन गॉड्स का खून बहाने के लिए जागेगा। और अगर उनको एरिस इतना ही ज़्यादा चाहिए तो उनको बोलना कि एक और बार मेरा नाम लें और उसके बाद देखना कि सारा कहर जो है उन्हीं के ऊपर बरसेगा। अब जाओ यहाँ से और कभी लौट कर मत आना इस हालत में या फिर किसी और रूप के अंदर, समझे तुम? और हम यहाँ से देखते हैं कि एरिस का इतना ज़्यादा गुस्सा देख के हर्मीस एकदम डर जाता है और वो अपना वहाँ से पैर छुड़वाता है और फौरन वहाँ से निकल जाता है। इतने सालों से मैं इस घर में रह रहा था और एक ऑनरेबल लाइफ जी रहा था, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखता था, मैं एक जॉब करता था और सब कुछ सारे काम मैं अपने हाथों से करता था, मैंने कोई गद्दारी नहीं करी, मैं एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता था। लेकिन आज ये लोग मेरे पीछे इस तरह से आ गए हैं। लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मैं एलेक्स को कैसे समझाऊंगा, वो कभी भी ऐसा नहीं समझेगा क्योंकि उसको समझाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मैंने जो है बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को जंग के अंदर लीड किया है और मैंने उनको बोला है कि तुम लोग यहाँ पे मरने वाले हो, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए लड़े हैं। लेकिन आज मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल ये लग रहा है कि ये सब मैं अपने बेटे को कैसे बताऊँगा, मैं अपने बेटे को क्या बोलूँगा कि तुम्हारे फादर, तुम्हारी ज़िंदगी ये सब एक झूठ है, जो भी तुमने सोचा वो सब झूठ था, क्या मैं ये बोलूँगा अपने बेटे से मैं वो नहीं हूँ जो तुमने सोचा था, ये सब मैं उससे कहूँगा भी कैसे आखिरकार। और हम देखते हैं कि वो ये सब सोच ही रहा होता है, इतनी देर में उसकी फ़ोन की घंटी बजती है और वो फ़ोन उठा के सिर्फ एक ही अल्फाज बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरिस जो है भागा भागा अपने बच्चे के स्कूल पहुंचता है और वहां पर पता चलता है कि उसका बच्चा जो है स्कूल से गायब हो चुका है, उसको एक घंटे पहले यहां पर देखा गया था लेकिन यहां पर वो नज़र नहीं आ रहा है और पुलिस वगैरह वहां पर हर कोई मौजूद होता है। लेकिन एरिस वहां पर बहुत ज़्यादा गुस्से में पहुंचता है और बोलता है कि इस बात को आधा घंटा हो चुका है और तुम मुझे अब कॉल कर रहे हो। तो उसके वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं बोलते हैं कि पहले हमने ढूंढा उसको अपने स्कूल के अंदर कि कहीं वो यहाँ तो कहीं मिस नहीं हो गया है, लेकिन जब हमें वो यहाँ नहीं मिला तो हमें मजबूरन आपको कॉल करनी ही पड़ी। तो एरिस बहुत ज़्यादा गुस्से में पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है कि एक बच्चा तुम्हारे स्कूल में से गायब हो गया और तुम लोग को पता भी नहीं चला। तो वहाँ पर जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कि हमें पता है कि आपका बेटा एलेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा शरारती है, तो हो सकता है कि वो स्कूल बंक करके कहीं बाहर बाहर निकल गया हो, इसलिए वो हमें यहाँ स्कूल में नहीं मिल रहा। तो एरिस बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो कभी स्कूल छोड़ के जा ही नहीं सकता है, वो इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, समझे आप लोग?
और हम वहाँ पे देखते हैं उसकी टीचर जो होती है उसको बताने की कोशिश कर रही होती हैं कि प्लीज़ जॉन तुम रिलैक्स करो, वो कहीं भी होगा तुम्हें मिल जाएगा फ़ौरन, या तुम्हारे पास एलेक्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह है या फिर उसकी कोई पिक्चर्स वगैरह जो हैं हमें दे दो ताकि हम जो है हर जगह फैला दें और पुलिस वगैरह में ये सब काम जल्दी से हो सके और तुम्हारा बेटा जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो पुलिस के पास जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव वगैरह उसकी मदद कर रहे होते हैं। आपको जो है परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रोज़ाना बच्चे खोते रहते हैं लेकिन जो है एक दो घंटे में वापसी मिल जाते हैं, तो वो कहीं पे भी छुपा होगा या फिर कहीं भी खेल रहा होगा तो हम उसको ढूंढ लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए कुछ सवालात हैं। उसका जो सोशल बिहेवियर है वो कुछ अलग है, वो आम बच्चों की तरह नहीं है, तो क्या आप हमें उसमें थोड़ी मदद दे सकते हैं? तो एरन एकदम गुस्से में बोलता है कि क्या उसका सोशल बिहेवियर? तो डिटेक्टिव बोलता है कि यस सर आपने सही सुना। तो बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया कहीं? मेरा बेटा गायब है और हमें से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है, और तुम मुझे इस वक्त यहाँ पे उसका सोशल बिहेवियर पूछना चाह रहे हो? क्या तुम लोग उसको ढूंढ भी रहे हो या नहीं, या फिर सिर्फ यहीं पे खड़े हो? क्या किसी ने ये देखा कि बिल्डिंग के अंदर कोई स्ट्रेंजर तो नहीं आया था, या किसी ने सिक्योरिटी कैमरा चेक करे, या फिर सिर्फ यहीं पे खड़े हो तुम लोग? तो वो डिटेक्टिव बोलता है कि सर प्लीज़ आप काम डाउन हो जाइए, हम सब कुछ अपनी तरीके से देख रहे हैं लेकिन प्लीज़ आप हमारे सवालों का जवाब दें। तो एरन बोलता है कि डू योर जॉब, उसको अपने तरीके से ढूंढो और मैं उसको अपने तरीके से ढूंढूंगा और मेरे रास्ते से साफ हो जाओ, समझे तुम लोग? तो वहाँ पे हम देखते हैं उसकी टीचर वगैरह एकदम परेशान हो जाती हैं एरन को इतना ज़्यादा गुस्से में देखते हुए। तो वहाँ पे डिटेक्टिव होता है बोलता है कि इट्स ओके, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी उसके लिए यही बेहतर है कि वो घर पर रह के एलेक्स का इंतज़ार करे। और हम देखते हैं कि वो घर पर आ जाता है और यहाँ से हम एक अलग ही नज़ारा देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एरीज जो अपनी अलमारी खोलता है और उसके पीछे एक हिडन कंपार्टमेंट होता है, उसको खोलता है और साथ में वो ये सब बोल रहा होता है। और ये सब करते हुए जो है वो अपने दिमाग में एक बात सोच रहा है और वो ये है कि मैं किसको पागल बना रहा था, एरीज गॉड ऑफ वार रिटायर हो चुका है, ये भी कितनी पागल वाली बात है, मैं कभी उस चीज़ से भाग ही नहीं सकता हूं जो मैं कभी हुआ करता था, मैं सिर्फ अपने आप से ही झूठ बोल रहा था और अपने लोगों को ही मुश्किल में डाल रहा था और ये झूठ भी मैं सही से नहीं बोल पाया, मैं हमेशा से गॉड ऑफ वार था और हूँ, चाहे उसके लिए मैं एरीज का नाम दूँ या एरन का, मैं हूँ तो वही इंसान ना, मैं हूँ तो वही शख्स ना, और मुझे लगता है कि ज्यूस ने ही मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है क्योंकि मैंने उनके साथ जो किया था, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यूस हमेशा से ऐसे ही करते हैं, उनको ये लगा होगा कि इसके ज़रिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और गॉड ऑफ वार अवेकन हो जाएगा। लेकिन हाँ, उनका ये शक बिल्कुल सही था और अब मैं जाग चुका हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो डिटेक्टिव्स वगैरह जो थे वो यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं क्योंकि उनको अब यहाँ पे इस आदमी के ऊपर शक होना शुरू हो गया होता है। वो डिटेक्टिव बताता है कि इस आदमी की जो है कुछ ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है और ये अचानक हमारे शहर में आ गया और इसका बच्चा कहाँ से आया ये सब हमें कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ये डिटेक्टिव उल्टा उसके बच्चों के ढूंढने के बजाय उल्टा एरीज के पास आ गए उससे बातचीत करने के लिए। लेकिन हम दूसरी तरफ यही देख रहे होते हैं कि एरीज जो है अपना पूरा हुलिया चेंज कर रहा है, अपने बाल वाल सब काट रहा होता है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, अब जिस किसी ने भी उसके बच्चे को उससे दूर किया है वो उसको नहीं छोड़ेगा बस, और अब वो दोबारा वो बन के दिखाएगा जो वो कभी हुआ करता था। और इस तरह हम देखते हैं वो डिटेक्टिव उसके घर पर आने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ें नहीं आ रही होती हैं, तो वो खिड़की से झाँकने की कोशिश करते हैं जहाँ पर पहले तो उनको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब उनको कुछ समझ में आता है तो एकदम चिल्लाते हुए बोलते हैं कि दूर हटो दरवाजे से, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इतनी देर में देखते हैं कि वो दरवाज़ा टूटता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को ले कर रहूँगा, तो तुम लोगों के लिए यही बेहतर है कि दूर हो जाओ मेरे रास्ते से वरना मैं तुम लोगों को चुन चुन के मारूंगा। और हम यहाँ देखते हैं कि जब दरवाज़ा टूटता है तो एरीज निकल के बाहर आता है जिसने अपना पूरा गेटअप चेंज कर लिया है, उसके पास तलवार शॉटगन्स मिसाइल्स बॉम्ब हर चीज़ है, मतलब अब वो पूरी तरह से गॉड ऑफ वार दोबारा बन चुका है। टू बी कंटिन्यूड।